सब्सक्राइब कीजिए एसकेएन एजुटेक चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट एजुकेशनल टेक्नोलॉजी से वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एसकेएन एजुटेक पे। आज हम बात करेंगे आधारशिला पोर्टल की, जो डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू के द्वारा एक वेबसाइट लॉन्च की गई है, जिसमें अब हर स्कूल अपना जो भी स्कूल का रिकॉर्ड है उसमें अपडेट करेगा। मैं आज आपको बताऊँगा कि कैसे हम उस पोर्टल पर लॉग इन कैसे कर सकते हैं, लॉग इन करने के बाद हम उसमें अपने स्कूल के प्रोफाइल को कैसे अपडेट कर सकते हैं, अपने बच्चों की जो रजिस्ट्रेशन है उसके ऊपर कैसे कर सकते हैं, इससे जुड़ी तमाम जानकारी जितनी भी है मैं आज आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपने अपने फ़ोन या लैपटॉप से किसी ब्राउज़र को ओपन करना है। मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे दूंगा, आपने उस लिंक को कॉपी कर लेना है और किसी सर्च इंजन में उसे पेस्ट करके सर्च कर लेना है। जैसे हम सर्च करेंगे हमारे सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पे टॉप पे लिखा होगा डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू, उसके बाद स्कूल मैनेजमेंट। आपने यहाँ पर क्लिक हेयर टू लॉगिन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे हमारे सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हैं हमारे सामने एक नया पेज ओपन हो गया है, जहाँ पे देखिए यहाँ पे यूज़र नेम। यूज़र नेम क्या रहेगा? आपके स्कूल का यूडाइस कोड जो होगा वो आपका यूज़र नेम होगा, पर आपने ध्यान रखना है उसमें जीरो नहीं लगानी है। जो पहले जीरो होती है यूडाइस कोड में वो आपने नहीं लगानी है, उसके आगे जितने भी डिजिट होंगे वो आपने जहाँ पर लगाने हैं। पासवर्ड आपको आपके रिसोर्स पर्सन जहाँ आपको जोनल हेडक्वार्टर से आपको पासवर्ड मिल जाएगा। पासवर्ड डालने के बाद आपने सिक्योरिटी कैप्चा को डाल लेना है, डालने के बाद आपने लॉगिन कर लेना। चलिए मैं अपना यहां पे यूजर नेम डाल लेता हूं। यूजर नेम हमारे स्कूल का कोड होगा जो विदाउट जीरो होगा, मैंने आपको पहले भी बताया है। उसको डालने के बाद जहां पे हम पासवर्ड डालेंगे, पासवर्ड डालने के बाद आपको यहां पे एक सिक्योरिटी कैप्चा होगा वो यहां पे टाइप करना होगा। चलिए हम सबसे पहले अपना पासवर्ड डाल लेते हैं। पासवर्ड डालने के बाद हमें ये सिक्योरिटी जो कैप्चा है उसको टाइप करना होगा। सिक्योरिटी कैप्चा हमारा कैपिटल लेटर में ही रहेगा जी। सिक्योरिटी कैप्चा डालने के बाद आपने लॉगिन पे क्लिक कर लेना है। जैसे हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे हमारे सामने जो आधारशिला पोर्टल है उसका जो मेन पेज है वो ओपन हो जाएगा, जो होम पेज है। सबसे पहले आपने अपने स्कूल को का जो रिकॉर्ड है उसको अपडेट करने के लिए सबसे पहले आपने स्कूल प्रोफाइल में जाना है। अगर आप स्कूल प्रोफाइल के अलावा पहले स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पे जाओगे तो आपकी कोई भी स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगी। सबसे पहले आपको अपने स्कूल का जो प्रोफाइल है उसको अपडेट करना होगा, उसके बाद ही आप स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, स्टाफ इवेल्यूएशन और फाइनेंस पे जा सकते हैं। पहले बात करेंगे हम स्कूल प्रोफाइल को, हम जब क्लिक करेंगे तो हमारे सामने क्या क्या आने वाला है। चलिए हम इसको क्लिक कर लेते हैं। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, अगर आप अपने मोबाइल से कर रहे हो तो आपके सामने यहाँ पे एक तीन आइकन्स बने होंगे, आपने उसके ऊपर प्रेस कर देना है। अगर आप लैपटॉप से कर रहे हैं तो आपके सामने टॉप पे होम, स्कूल, फंड्स, एरिया, स्ट्रेंथ, फैसिलिटी, ये सारी चीज़ें ओपन हो जाएंगी। सबसे पहले आपने स्कूल में जाना है। जैसे आप स्कूल पर क्लिक करेंगे, स्कूल पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पे हमें क्या करना होगा, अपने स्कूल के किसी भी डाटा को चेंज करने के लिए सबसे पहले आपको नीचे एक एडिट का साइन दिख रहा होगा, आपने इस एडिट पे क्लिक करना है, तभी आप किसी डाटा को यहाँ पे चेंज कर पाओगे। देखिए अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो कोई भी चीज़ जहाँ पे क्लिक नहीं हो पा रही है। अगर किसी भी चीज़ को मुझे मॉडिफाई करना होगा तो सबसे पहले मुझे एडिट पर क्लिक करना होगा। एडिट पर क्लिक करने के बाद जितनी भी टाइल्स हैं ये ऑन हो जाएंगी, जहाँ पर आप अपने स्कूल का जो लेवल है उसको चेंज कर सकते हैं। स्कूल को एजुकेशन है, आप बॉयज़ स्कूल है, गर्ल्स स्कूल है, एस्टेब्लिशमेंट कब की है, आपकी जो क्लासेस हैं वो कहाँ से स्टार्ट हो रही हैं, नर्सरी से, फर्स्ट से, सेकंड से, एट्थ से, नाइन्थ से, जो भी आपके स्कूल की टाइप है, और अप टू आपके स्कूल की जो हाईएस्ट क्लास है वो कहाँ पे। अगर आपका मिडिल स्कूल है वो सिक्स से लेके एट्थ तक है, जहाँ फर्स्ट से लेके एट्थ तक है, तो जहाँ पे आपने यहाँ पे मैंने फिफ्थ यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ प्राइमरी स्कूल का, तो आपका जो भी स्कूल होगा आपने हाईएस्ट क्लास जहाँ पे लिखनी है। जहाँ पे आपने स्कूल का जो एरिया है इन मरलाज, अगर कनाल में है तो आपने कनाल को कन्वर्ट करके मरला में आपने अपने स्कूल का जो एरिया है उसको लिखना है। आपके स्कूल का स्टेटस क्या है, रनिंग है, क्लोज्ड है, क्लब है, तो यहाँ से आपने उसकी कैटेगरी, उसका जो स्टेटस है उसको चूज़ करना है। जैसे कि ये स्कूल क्लब हो चुका है, फिर ये बताएगा कि आपके स्कूल की जो प्रेजेंट एनरोलमेंट है बॉयज़ कितने हैं, गर्ल्स कितने हैं, वो आपने यहाँ पर फिल करने हैं। यहाँ पे आपने उस स्कूल का नाम लिखना है अगर आपका स्कूल क्लब है। अगर आपका स्कूल क्लब नहीं है तो आपने सिंपल लिखना है कि हमारा जो स्कूल है वो फंक्शनिंग में है, रनिंग में है। तो उसके बाद आप नीचे आ जाओगे जहाँ पे आपने डिस्ट्रिक्ट, ये सब कुछ पहले से सिलेक्ट हुआ होगा, जहाँ पे आपने अपने स्कूल का लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। उसके बाद जहाँ पर स्कूल का जो डिस्टेंस है मेन रोड से वो भी आपने मीटर में लिखना है।
यहाँ पे लिखना है, जहाँ पे आपने लिंक रोड से आपका स्कूल जो है वो कितनी दूरी पे है वो आपने यहाँ पे लिखना है। ये सारा कुछ आपने मीटर में लिखना है, किलोमीटर में नहीं लिखना है, किलोमीटर को आपने कन्वर्ट कर लेना है मीटर में। आपका स्कूल कौन सी लोकेशन में पड़ता है, रूरल में पड़ता है, अर्बन में पड़ता है, यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आपके स्कूल में लाइब्रेरी है या नहीं है, फर्स्ट एड किट है, ये सारी चीज़ें। आपका स्कूल कौन से जोन में फॉल करता है, समर जोन में या विंटर जोन में, जहाँ पे विंटर जोन में हम जम्मू वाले विंटर जोन समर जोन में सॉरी करेंगे। इसी प्रकार आपका नियरेस्ट पुलिस स्टेशन जो होगा वो आपने करना है, नियरेस्ट आपका जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है वो आपने यहाँ पे लिखना है, जो भी आपके पास कोई हॉस्पिटल है वो लिखने के बाद आपने जहाँ पे, मैंने एडिट को नहीं किया है, अगर मैं यहाँ पे एडिट पे क्लिक करता हूँ, एडिट पे क्लिक करने के बाद जो जितनी भी टाइल्स होंगी ये लाइव हो जाएंगी, आप देख सकते हैं लाइव हो गई। अब मैं जितनी भी चेंजिंग करूंगा उसके बाद मुझे जहाँ पे अपडेट करना है, अपडेट पे क्लिक कर दूंगा, मेरे द्वारा जितनी भी इस पेज के ऊपर मॉडिफिकेशन होगी वो क्या हो जाएगी, अपडेट हो जाएगी। इसके बाद अगर हम बात करेंगे स्कूल के बाद, अगर हम फंड्स में आएंगे, अगर हम फंड्स पे क्लिक करेंगे तो जहाँ पे हमारे सामने क्या आ जाएगा, अगर हमारे स्कूल में कोई न्यूली कंस्ट्रक्शन हुई है तभी हमें यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट लिखना है, यहाँ पे फंड्स लिखना है कि किस फंड से हमने वो कंस्ट्रक्शन की है। अदरवाइज अगर किसी भी स्कूल में कोई न्यू कंस्ट्रक्शन नहीं हुई है तो आपने इस फंड्स वाले जो सेक्शन है इसको आपने छोड़ देना है। उसके बाद अगर हम एरिया की बात करेंगे, आप एरिया पे क्लिक करोगे तो आपने यहाँ पे आपने लिखना है कि आपके स्कूल का जो एरिया है, यहाँ पे देखिए यहाँ जो मैंने प्ले ग्राउंड जहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है, आप अगर इस टाइल पे ऊपर हम करेंगे जहाँ पे नीचे एक ऑप्शन आ रहा है, जैसे ये मैंने प्ले ग्राउंड सिलेक्ट कर दिया, मेरे प्ले ग्राउंड का जो एरिया है वो भी बता रहा है कि मैंने उसको मीटर में लिखा हुआ है कि कितने स्क्वेयर फीट है, वो मैंने लिख दिया है। इसके बाद नेक्स्ट जो टाइल है जहाँ पे मैं सिलेक्शन करके जहाँ पे क्लासरूम, स्टाफ रूम, किसी को भी यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। चलिए मान लेते हैं मैं यहाँ पे क्लासरूम को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब मेरा जो क्लासरूम है, मेरे स्कूल की जो बिल्डिंग है उसके तीन कमरे हैं, अब वो तीनों के तीनों एज ए क्लासरूम है, तो मुझे उनका एरिया निकाल लेना स्क्वेयर फीट में। एरिया स्क्वेयर फीट में निकालने के बाद चलिए मैं यहाँ पे 800 ऐसे ही लिख देता हूँ डेमो के तौर पे। ये लिख दिया मैंने 800 स्क्वेयर फीट जो मेरे पास क्लासरूम है जी उनका एरिया है। एरिया होने के बाद अब मेरा जहाँ पे प्ले ग्राउंड भी हो गया, क्लासरूम भी हो गया, अगर मुझे स्टाफ रूम भी ऐड करना है तो आपने ऐड न्यू रो पे क्लिक करना है, तो इसके बाद एक और जो रो होगी वो इसमें ऐड हो जाएगी। देखिए आपके सामने एक रो और ऐड हो गई, जहाँ पे मैं सेलेक्ट पे करके जहाँ से मैं किसी बॉयज़ हॉस्टल, किचन, जो भी आपके स्कूल में जो अवेलेबल होगा, जो टाइल में आपको जहाँ पे दिख रहा है, आप किसी लाइब्रेरी को, ऑडिटोरियम को, जो लेबोरेटरी किसी भी की कंस्ट्रक्शन हुई है उसका एरिया आप जहाँ पे सिलेक्ट करना चाहते हैं, जैसे ऑफिस है, मैंने ऑफिस को कर लिया। अब आपने ऑफिस की मेजरमेंट करनी है और उसके बाद उसका डाटा भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आपसे अनफॉर्चुनेटली कोई डाटा यहाँ पे रॉन्ग एंटर हो जाता है तो आप एडिट पे क्लिक करके इसको फिर से सुधार कर सकते हो। अब हम चलेंगे जहाँ पे स्टाफ स्ट्रेंथ पे चलेंगे, जहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने जो स्टाफ स्ट्रेंथ है वो जहाँ पे ओपन हो जाएगी, ये वाला पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पे हमें जो सिलेक्शन जहाँ पे दी हुई सिलेक्ट करना है, टाइप ऑफ जहाँ पे पहले आपने एडिट पे क्लिक करना है, उसके बाद जो पोस्ट हैं उनको लिखना है, वैकेंसी कितनी है, टोटल सैंक्शन कितनी है, इन पोजीशन कितनी है, आपके स्कूल में सरप्लस कितनी है, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। फिलहाल ये पेज जो है वो काम नहीं कर रहा है, अगर हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये ऑटोमेटिक ये साइट क्रैश हो जा रही है। तो आपने क्या करना है, फिलहाल आपने इस जो स्टाफ स्ट्रेंथ वाले पेज को आपने छोड़ देना है, जैसे ही ये बग फिक्स हो जाएगा तो आप इसको भी एडिट कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम चलेंगे जहाँ पे फैसिलिटी आ जाएगी, जहाँ पे कंप्यूटर पे क्लिक करेंगे तो हमें जहाँ पे बताना है कि आपके स्कूल में जो कंप्यूटर लैब है, जहाँ कंप्यूटर आपके स्कूल में है, तो जहाँ पे आप दिखा सकते हैं। पहले पूछा जाएगा आपको ICT लैब, आपके स्कूल के नियरेस्ट ICT लैब कौन सी है, तो ICT लैब जो भी नियरेस्ट आपके हायर सेकेंडरी होगा, अगर वहाँ पे ICT लैब है तो आपने नियरेस्ट अपने स्कूल के जो हायर सेकेंडरी होगा उसको चूज कर लेना है। उसके बाद पूछा जा रहा है कैल सेंटर अवेलेबल है आपके पास या नहीं है, आपके स्कूल में है, अगर स्कूल में नहीं है तो नियरेस्ट कौन सा ऐसा स्कूल है जहाँ पे कैल सेंटर है, तो आपने अपने स्कूल के आगे पीछे जो भी हाई स्कूल होगा वहाँ पे अगर कैल सेंटर अवेलेबल है तो वहाँ से आपने क्लैरिफाई करके यहाँ पे लिख के अपडेट कर देना है। हो जाने की वजह से हम लॉग आउट हो चुके थे, हमने फिर से लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद हम स्कूल प्रोफाइल पे दोबारा से क्लिक करेंगे। जैसे हमने स्कूल प्रोफाइल पे क्लिक किया, आपको राइट साइड 3 लाइंस मिल जाएंगी, आपने इनके ऊपर क्लिक कर देना है। इनके ऊपर क्लिक करने के बाद हमारे सामने फिर से सारी टाइल्स ओपन हो गई हैं। हम जैसे कि फैसिलिटी में थे, फैसिलिटी एंट्री में थे, अगर हमें फैसिलिटी एंट्री पे क्लिक करना है तो आपके सामने यहाँ पे आपको राइट साइड पे एक प्लस का आइकन दिख रहा होगा, आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, जहाँ से हम कंप्यूटर
टॉयलेट, जैसे आप टॉयलेट के लिए अगर हम क्लिक करेंगे, टॉयलेट पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने जो टॉयलेट वाला पेज है वो ओपन हो जाएगा, जहाँ पे हमें किसी भी चीज़ में एडिट करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हर पेज के नीचे आपको एक एडिट ऑप्शन मिलेगा, आप एडिट पे क्लिक करोगे। एडिट पे क्लिक करने के बाद जितनी भी ये टाइल्स हैं ये क्या हो जाएंगी, लाइव हो जाएंगी। फिर आप इनमें कोई भी जो आपका अपडेट रिकॉर्ड है वो इसमें फिल कर सकते हो। और अब अपडेट करने के बाद जहाँ पे एडिट लिखा हुआ है ना, जहाँ पे आ जाएगा अपडेट, तो फिर आपने अपडेट पे क्लिक कर देना है, वो पेज ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम इन टाइल्स पे क्लिक करेंगे, इन टाइल्स पे क्लिक करने के बाद इस तरह जो कंस्ट्रक्शन वर्क है, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके स्कूल में जो कोई कंस्ट्रक्शन वर्क है, शो कंस्ट्रक्शन टाइप, कोई न्यू कंस्ट्रक्शन हो रही है, ऑनगोइंग कंस्ट्रक्शन है या कंप्लीटेड है, तो आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसी प्रकार फिर से हम थ्री लाइंस पे क्लिक करेंगे, तो इसी प्रकार हम यहाँ से एम्प्लॉय डिटेल के लिए के ऊपर अगर हम क्लिक करेंगे, तो जहाँ से हम अपने स्कूल में जो हमारे ये अभी जो पेज है जो काम नहीं कर रहा है, इसमें आपने इस सेक्शन को छोड़ देना है। जैसा कि आप देख सकते हैं हम फिर से होम पेज पर आ चुके हैं। अब हमें यहाँ पर स्कूल प्रोफाइल के नीचे जो है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, उसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे हम स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, हमारे सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। जैसे आपके सामने एक पेज ओपन हो गया है, सबसे पहले जो कॉलम है जो आपने छोड़ देना है, जो आप जब अपना कोई भी स्कूल का जो स्टूडेंट है उसको रजिस्टर्ड करोगे, उसके बाद उसको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, आपने इसको छोड़ देना है। तो उसके बाद यहाँ पे आपने चूज़ करना है कि जिस बच्चे को आप रजिस्टर्ड करने जा रहे हो, क्या वो आपके सेम स्कूल का है जहाँ किसी दूसरे स्कूल से आया है। जहाँ से आप सेलेक्ट यहाँ पे करेंगे, उसकी क्लास को चूज़ करेंगे, कौन सी क्लास में वो आया है, जहाँ डेट ऑफ एडमिशन आप डालेंगे, जहाँ पे उसका डेट ऑफ बर्थ, एज उसकी अपने आप जहाँ पे आ जाएगी, जहाँ पे उसका आपने आधार नंबर डालना है, जहाँ पे आधार पे जो उसका नेम है, जहाँ जो आपके स्कूल के रिकॉर्ड में जो उसका नेम है वो आपने यहाँ पे लिखना है, जहाँ से उसका जेंडर सेलेक्ट करेंगे, नेशनलिटी ऑटोमेटिकली जहाँ पे आ गई है, जहाँ से स्टेट या यूटी को सिलेक्ट करेंगे, जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करेंगे, जहाँ पे विलेज को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद डोमिसाइल ऑफ़ J&K, अगर वो जम्मू कश्मीर का रहने वाला है तो आपने येस करना है, अगर वो आउट ऑफ स्टेट है या आउट ऑफ यूटी है तो आपने नो पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जहाँ पे जो आप कंपलसरी सब्जेक्ट हैं जी आपके तभी आएंगे जब भी आप जहाँ पे क्लास मेंशन करोगे। अभी मैंने कोई क्लास यहाँ पे मेंशन नहीं की, अगर मैं यहाँ पे क्लास सेकंड को जहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, अब आप नीचे देखोगे जहाँ पे हमारे जो कंपलसरी सब्जेक्ट हैं वो आ गए हैं, इंग्लिश मैथ जो ऑटोमेटिकली होंगे। आपने इनमें से किसी एक सब्जेक्ट को, जो तीसरा कंपलसरी सब्जेक्ट है, हिंदी, उर्दू, डोगरी, पंजाबी, कश्मीरी, कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। सिलेक्ट करने के बाद आपने ऐड न्यू स्टूडेंट पे क्लिक करना है, वो बच्चा आपके स्कूल के रिकॉर्ड में यहाँ पे अपडेट हो जाएगा, उसको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। अब वो रजिस्ट्रेशन नंबर जब आपको मिल जाएगा, उसके बाद फर्दर आपको उस बच्चे में कोई मॉडिफिकेशन करनी है। मान लो आपसे कोई उसका जो कोई एंट्री गलत हो गई है, तो आपने उसकी एंट्री को अगर ठीक करना है तो आपने जहाँ पे उसका रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, सर्च करनी है। सर्च करने के बाद उस बच्चे का पूरा रिकॉर्ड आ जाएगा। रिकॉर्ड आने के बाद इसी तरह से फॉर्म ओपन हो जाएगा, उसका जो पूरा आपने फिल किया हुआ है, जिस भी कंपोनेंट में आपने उसकी चेंजिंग करनी है आप उसकी चेंजिंग कर सकते हैं। इस प्रकार आपने वन बाई वन करके सभी बच्चों को यहाँ पे, सबसे पहले आपका जो काम है वो यही है कि जितने भी स्टूडेंट है क्लास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, जितनी जहाँ तक भी आपकी लोएस्ट क्लास से हाईएस्ट क्लास तक जितना भी आपका स्कूल का डाटा है, जितने भी बच्चे आपके पास हैं, सबसे पहले आपने उनको रजिस्टर्ड करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो मैं आपको बहुत ही जल्दी एक नया वीडियो लेके आऊँगा, उसमें बताऊँगा कि आगे आपने अगला प्रोसेस कैसे करना है, क्योंकि अगर मैं वो भी इसी वीडियो में कर दूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। पहले आप इतना प्रोसेस कर लो, एक या दो दिन में मैं एक नया वीडियो लेके आऊँगा, मैं बताऊँगा कि उसके बाद आपने उस बच्चे का जो फोटोग्राफ को कैसे अपडेट करना है, पेरेंट की डिटेल कैसे अपडेट करनी है। तो आज का वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।